ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर राजधानी रांची से सामने आ रही है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक के पास डीपी ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने हथियार के नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार को अपराधियों ने गोली मारी है। अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, घायल व्यक्ति को भेजा गया अस्पताल। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरसा चौक के पास डीपी ज्वेलर्स में अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया और इसी दौरान लूटपाट का विरोध कर रहे दुकानदार को गोली मार दी है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक से। बिरसा चौक पर डीपी ज्वेलर्स में अपराधियों ने हथियार के नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया और लूट की घटना का विरोध कर रहे दुकानदार को गोली मार दी गई है। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, एक बड़ी खबर बिरसा चौक से सामने आई, एक जेवर दुकान में अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही दुकानदार को गोली मार दी है, पूरी जानकारी दें। देखिए, रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक से जो है हवाई नगर जाने वाली सड़क है, उस जगह पर डीपी ज्वेलर्स नाम के जेवर की दुकान है जहां पर अज्ञात अपराधी है। अभी के हालांकि संख्या 4 बताई जा रही है, इसलिए हम लूटपाट से कहेंगे, लेकिन अपराधियों की संख्या जैसे जिस तरह से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है उससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि अपराधियों की संख्या 5 से अधिक है और उसे डकैती के रूप में भी देखा जा सकता है। दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। सभी अपराधियों के पास जो है वो हथियार मौजूद थे। हथियार के बल पर न सिर्फ दुकान में लूटपाट की गई, दुकान के अंदर मौजूद तमाम लोगों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान जो है विरोध करने पर दुकान संचालक ओम वर्मा को गोली मारी गई है, जिसमें उनके हाथ में गोली लगी है। स्थिति चूंकि हाथ में लगे इसलिए खतरे से तो बाहर है, लेकिन डैमेज काफी कुछ हुआ है। हम घटनास्थल की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। घटना के बाद आसपास के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और तमाम जो लोग चीजों को समझ रहे हैं कि क्या कुछ हुआ और किस तरह से हुआ। राजधानी रांची में पिछले 3 महीने के अंतराल में ये तीसरी बड़ी घटना है जब हथियार के बल पर जेवर दुकान को निशाना बनाया गया, पुंदाक के जेवर दुकान के निशाना बनाया गया, जिनका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बजरा जो कि पंडरा ओपी क्षेत्र में पड़ता है, उस दुकान में भी हाल के दिनों में पिछले दिनों ही डकैती या लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, उनका भी खुलासा नहीं हुआ है। और एक बार फिर से रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के डीपी ज्वेलर्स नामक जो दुकान है, इस दुकान पर अज्ञात हथियारबंद पहुंचे जो कि हेलमेट पहने हुए थे। हथियार के बल पर दुकान पर रखे तमाम कीमती सामान, साजो सामान और ज्वेलर जो थे वो अपने साथ लेकर चले गए। इस दौरान दुकानदार के द्वारा विरोध करने पर हाथ में गोली मार दी गई। क्या हुआ घटना, आप लोगों को जानकारी मिली होगी चूंकि आप लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इससे क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जैसे हम लोगों को जानकारी मिली, हम तुरंत यहाँ पे आने का काम किए। बड़े आरक्षी अधीक्षक महोदय को मैंने तुरंत फोन लगाया, उनका कॉल फॉरवर्डिंग था, उनका स्टाफ कोई फोन उठाया, उन्होंने बोला कि मैं तुरंत जो है कार्रवाई के लिए आदमी भेज रहा हूँ। लेकिन ये बताइए, ये बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के साथ हो रहा है कि आखिर हम लोग कब तक ऐसे बिजनेस करें। ये जो है एक तो कांड थम नहीं रहा है और दूसरा का आगाज दे दिया जा रहा है, दूसरा थम नहीं रहा है कि तीसरा का आगाज दे दिया जा रहा है। आखिर ये प्रशासन के मुंह पे कालिक पोथने वाली काम हो रही है। ये चैलेंज करके उन लोग डकैती कर रहे हैं, प्रशासन को बोल कर डकैती कर रहे हैं कि हम डकैती करेंगे, तुम हमको रोक लो, और प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। को गोली लगी है, ये दुकान के जो मालिक थे उनके हाथ में गोली लगी। सबसे बड़ा चीज है कि दुकानदार को ले जाकर अंदर बंधक बना लिया गन पॉइंट पे, और उसके बाद पूरा का पूरा दुकान साफ कर दिया गया। आप बजरा में भी गए थे, बजरा में भी आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, क्या लगता है किस तरह से व्यवसाय चल पाएगा? नहीं नहीं, ये तो प्रशासन का पूरे एकदम प्रशासन रांची का फेल है। आप देख लीजिए, सुबह शाम रांची के पूरे सड़कों में हम लोग तो सोशल वर्कर और खास करके व्यवसायी समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष होने के नाते भी इन चीज़ों में नज़र रखते हैं कि प्रशासन अपना दिनचर्या कैसे बिता रहा है। आप भी चलते फिरते प्रशासन के दिनचर्या पर नज़र रखिए। सिर्फ पैसा वसूलना, गाड़ी वाला को पकड़ के टिपर लोड को न चेक करेगा,
बिना हेलमेट वाला को पकड़ेगा नहीं है, वह आए दिन इस तरह का घटना घट रहा है। अभी आप देखे होंगे बजरा में जो हुआ उसका खुलासा पूरी तरह नहीं हुई है। इसी तरह बूटी मोड़ में एक घटना घटा, एक महिला से रोड चलते ज्वेलरी शॉप की ही प्रोप्राइटर थी, उनका घटना का भी कोई उद्भेदन नहीं हुआ है। और आज ये खुला आम चैलेंज दिन को 3:30 बजे यहाँ पर, हमको लगता है कि पूरे रांची के ज्वेलरी व्यवसाय को बंद करके नहीं होगा तो हम लोग 24 घंटा के अंदर अगर इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है पूरा अपना दुकान को बंद करते हुए सभी दुकानदार चाबी ले जाके सीनियर एसपी के ऑफिस में हम लोग जमा करके और फिराहलाल में हम लोग अनिश्चित काल का धरना देने का काम करेंगे। ये बहुत निंदा है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा था कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक कई घटनाएं हुई हैं, उद्भेदन जो नहीं हुआ है, बरियातू में, पंडरा में, जगन्नाथपुर में और जो है पुंदाग में 4 घटनाएं चौक पर जिस वारदात को अंजाम दिया गया है उसके बाद जो है वहाँ की तस्वीर बिल्कुल राजधानी वासियों को डराने वाली ये वारदात है। आप तस्वीरें दिखाए जनता को, देखिए ये अंदर की तस्वीर देखिए, देखिए बिल्कुल आयुष जो एफएसएल की टीम है, एफएसएल की टीम भी अब यहाँ पे पहुंची है और एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर किस तरह से यह पूरी घटना हुई है। चूंकि गोली चली है तो कई जगहों पर शीशे में भी दीवार जो निशान है वो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से शीशे में गोली मारी गई है। शीशे में गोली मारने की वजह से शीशा जो है वो टूट करके नीचे गिर गया और तमाम जो लोग हैं वो अब प्रयास कर रहे हैं कि अपराधियों की पहचान कर सके। हालांकि दुकानदार को बंधक बनाया गया, दुकानदार यहाँ पर मौजूद थे, इसके साथ कुछ स्टाफ भी थे, लेकिन सभी लोग हथियार के साथ यहाँ पे पहुंचे थे। हथियार के साथ पहुंचने की वजह से जो अपराधियों का जो मनोबल था वो हाई था और दुकानदार को कब्जे में लेकर के पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि लूटपाट के दौरान कितना सक्सेस हो पाए हैं, कितना का ये जो है तो हम आपसे हर पल की अपडेट लेते रहेंगे। इस पूरे मामले में आखिरकार जांच कैसे चल रही है और आगे क्या कुछ होने वाला, हर पल की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रांची के बिरसा चौक पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, हथियार के बल पर एक जेवर दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही जो जेवर दुकान के संचालक थे उन्हें अपराधियों ने गोली भी मार दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।